शराब की तस्करी करने वाले ग्रोह का पर्दाफाश, दो तस्कर गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्र अधिकारी नगर तृतीय महोदय द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत NCR क्षेत्र में शराब की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा न्यायखंड 3 के पास गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अनिल पुत्र रोहन व शक्ति पुत्र सुमेर सिंह के रूप में हुई। ये अभियुक्त अन्य प्रांतों की शराब को उत्तर प्रदेश में सस्ते दामों पर बेचकर उत्तर प्रदेश राजस्व को भारी क्षति पहुंचा रहे थे। चौकी के क्षेत्र में न्यायखंड टीम से दो व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये लोग बाहर राज्यों से, खासकर से हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश की शराब लाकर तस्करी के द्वारा यहाँ पर सस्ते दामों में लोगों को सप्लाई किया करते थे। और इनसे टोटल 48 पेटी और 10 पौवा, लगभग 314 पौवा शराब बरामद की गई है। और इसमें एक व्यक्ति अनिल जो है वो यहीं का रहने वाला है, थाना इंदिरापुरम क्षेत्र का, और दूसरा व्यक्ति शक्ति जो है पालन एरिया का, दिल्ली का रहने वाला है। देखिए, जैसे इन लोग के मोटर साइकिल है, ये लोग इधर उधर बेचते रहते हैं छोटे लेवल पे, और खास करके गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति के सस्ते दामों में शराब की सप्लाई करते हैं। तो इनका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, ये मोबाइल है, कभी एक पॉइंट पे बेचे, कभी दूसरे पॉइंट पे, ऐसे करके सरकार राजस्व की क्षति भी पहुँचाते हैं और पुलिस से बचते हैं।